तो दोस्तों मेरे पास है एक वायरलेस माइक जो कि उसका आज हम करने वाले हैं रिव्यू, जो कि मेरे पास है गिरनारो S13 Pro। इसका आज हम रिव्यू करने वाले हैं पूरा फुल डिटेल्स में, ये कैसे यूज होता है, किस तरीका से यूज करेंगे पूरा फुल डिटेल्स में बताएंगे और सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। और मुझे पता है कि आप एक यूट्यूबर हो या आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर रील्स बनाना चाहते हो, तभी आप एक वायरलेस माइक का तलाश में हो। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख ही लेते हैं। तो दोस्तों ये जो गिरनारो S13 Pro है, ये काफ़ी टाइम से मैं यूज कर रहा हूँ, जो कि ये मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और इसका प्राइस क्या है आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और चलिए इसको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखिए पहले आपको बताना चाहूँगा कि पूरा पैक था, लेकिन मैं यूज किया तो उस समय इसका जो पानी होता है वो निकाल दिया हूँ। चलिए इस तरीके से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से बॉक्स आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं नीचे रखता हूँ और यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड, ठीक है। चलिए इसको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर एक यूजर मैनुअल मिल जाते हैं, जो कि इसमें सब कुछ बताया गया है कि कैसे कैसे आपको यूज करना है, ठीक है। तो चलिए इसका भी कोई मतलब नहीं निकलता है। तो देखिए इसका बॉक्स के अंदर एक मिलता है चार्जिंग केस, जो कि ये चार्जिंग केस है। और इसके अंदर एक और चीज मिलता है, जो कि इसमें एक और बॉक्स है, देखिए ये वाला है, जो कि इसमें है चार्जिंग केबल, जो कि आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए इसमें चार्जिंग केबल है, तो ये जो केबल है इसमें दो केबल है, जो कि ये टाइप सी केबल है, आप देख सकते हैं। चलिए इसको भी मैं नीचे रखता हूँ। और उसके अंदर दो यहाँ पर एडेप्टर मिल जाता है, जो कि इसमें ये वाला जो है टाइप सी दो है, जो कि एक अभी मैं अपने फ़ोन में यूज कर रहा हूँ और ये वाला है आईफोन के लिए। अगर आईफोन आपके पास है तो इसको लगाकर आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है चलिए आपको मैं बताऊँगा। और गाइस इसके अंदर देखिए यहाँ पर कुछ ओपन करेंगे तो यहाँ पर लाइट ब्लीम करेगा। देखिए यहाँ पर 14 पॉइंट दिखा रहा है, अभी चार्ज है, जो कि यहाँ पर जब चार्ज करेगा ना तो यहाँ पर पॉइंट आपको बताता रहेगा, ठीक है। चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा दो वायरलेस माइक, जो कि एक ये है और एक ये है और एक ये, जो कि मोबाइल में लगाने के लिए एडाप्टर है। तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं ओपन किया, जो कि एक हो गया और ये दो और ये जो है एडाप्टर है। तो इसको क्या करना है कि आपको जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो फ़ोन को आपको जो टाइप सी पिन होता है चार्ज करने के लिए उसमें ये लगाना है। और ये आप अकेला यूज करना चाहते हो तो अकेला कर सकते हो, दोबारा दो आदमी अगर हैं साथ में तो दो आदमी भी यूज कर सकते हो। बहुत हार्ड दिया है, अच्छा दिया है, बहुत बेस्ट क्वालिटी भी दिया है। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको टाइप सी केबल जो है ना लगाकर इसको अलग से भी चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग केस आपके पास नहीं है तो ये सिंगल भी लगाकर आप चार्ज कर सकते हो। तो चलिए अब क्या करूँगा कि ये जो एडाप्टर है इसको मैं फ़ोन में लगाकर आपको मैं दिखाता हूँ और यहाँ पर मैं अपने कलर में लगाऊंगा, इसका आवाज़ कैसा आ रहा है। तो गाइस अब जो मेरा आवाज़ आपको सुनने को मिल रहा है इस वायरलेस माइक से सुनने को मिल रहा है, तो आपको आवाज़ में कुछ डिस्पेंट सुनने को मिल रहा है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इसको ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पर एक बटन है, जो कि इस बटन को आपको क्या करना है कि 2 से 3 सेकंड तक इसको मतलब दबा के रखना है, ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद इस तरीके से जो दो यहाँ लाइट दिखाई दे रहा है, लाइट सिंगल देगा और ब्लिम करेगा, ठीक है। और जब वो एडाप्टर है लगाओगे तो उसमें एक ब्लिम आएगा रेड कलर का, और जब तक ये पकड़ेगा नहीं तब तक वो ब्लिम करता ही रहेगा। अगर पकड़ लगा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो OTG होता है सेटिंग, उस सेटिंग को पहले आपको ऑन करना होगा, तभी जाके आप इसको कनेक्ट करा सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी कर लिया हूं। और आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो आवाज़ है आप कैमरे से यूज करोगे अपने फ़ोन से, तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है ओपन कैमरा। अदरवाइज आपका जो मोबाइल में जो कैमरे का एप्लीकेशन है अगर उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है तो कोई बात नहीं, मेरे फ़ोन में डायरेक्टली हो जाता है। अगर आपके फ़ोन में नहीं होता है तो आपको ओपन कैमरा यूज करना पड़ेगा। चलिए इसमें क्या क्या सेटिंग है आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एक पावर वाला बटन है, जो कि इस पावर वाला बटन को अगर आप एक बार प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो हर वाला जो लाइट आ रही है यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखिए, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर इसको मैं एक बार प्रेस करूँगा तो एक बार ब्लिम करेगा, शायद
देखिए यहाँ पर दो बार किया, लेकिन ये दो बार क्यों किया, एक बार सेलेक्ट रहता है, ये दो बार कर लिया है, जो कि मेरा जो नॉइस है फालतू का जो नॉइस आता है वो अब आपको सुनने को नहीं मिलता होगा। तो इससे यही होता है कि जो अगल बगल फालतू का आवाज़ आता है उसको, मतलब कि जो नॉइस होता है उसको दबा देता है, ठीक है। अगर आप सिंगल रखोगे तो यहाँ पर देखिए मैं सिंगल के करता हूँ तो एक बार भी नहीं करेगा, बस जो है ओपन हो गया, आपको फिर से आवाज़ चेंज सुनने को मिलता होगा। और यहाँ पर जो है ये बैटरी चार्जिंग दिखाई दे रहा है, अगर ये लो हो जाएगा तो रेड कलर में हो जाता है। और यहाँ पर दो है, देखिए यहाँ पर एक है जो कि ये मूट का है, और यहाँ पर दिया है कुछ आवाज़ डबल जैसा आता है, देखिए यहाँ पर इसको डबल डायरेक्टली डबल टिपोगे तो हो जाएगा, देखिएगा। देखिए मैं डबल एक बार टिपता हूँ, तो मेरा आवाज़ आपको सुनाई नहीं देता होगा क्योंकि म्यूट हो गया था, और मैं जैसे ही फिर एक बार टिपा तो म्यूट जो है वो हट गया। और आप क्या करना है, आपको यहाँ पर मेरा डबल आवाज़ आएगा, देखिएगा डबल आवाज़ आएगा, लतारे आपको तीन बार प्रेस करना है, एक दो तीन, आवाज़ जो मेरा है डबल आपको सुनाई देता होगा, जैसे कि कंप्यूटर का जैसा नहीं होता है वो, क्या बोलते हैं, उसका जैसा आवाज़ आता होगा, तो कुछ इस तरीके से इसमें सेटिंग दिया है। देखिए ये जो है तीन एडाप्टर, इसको कैसे यूज करना है आपको बताता हूँ। देखिए ये वाला जो है ये आईफोन का एडाप्टर है, जो कि आईफोन में भी यूज कर सकते हो। आईफोन का जो मोबाइल का चार्जिंग पिन होता है, जैक होता है, उसमें आपको ये वाला लगाना है। उसके बाद मैं एक एडाप्टर अपने फ़ोन में लगाया हूँ, वो वाला आपको यहाँ पर लगा देना है इस तरीके से, और ये आपको आईफोन में लगा देना है, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आप आईफोन से भी यूज कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये एडाप्टर दिया है। और जो ये एडाप्टर है ये आपको ऐसे यूज करना है, जो कि देखिए ये वाला जैक दिया है, जो हेडफोन का एक जैक दिया है, इसमें आप वो लगाकर, आपके पास डीएसएलआर कैमरा भी है तो कैमरा में भी लगाकर आसानी से यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं बता देता हूं, देखिए यहां पर आप इसमें लगाओगे उसके बाद आपको वो जो हेडफोन का जैक होता है इसमें लगाकर अपने डीएसएलआर के साथ कनेक्ट करके इजीली आप शूट कर सकते हो। कुछ इस तरीके से सब दिया है। तो चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कितना दूरी तक ये लगभग कनेक्ट कर सकता है, कवर कर सकता है, ये भी आपको चेक कर मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम मैदान में आ चुके हैं, और यहाँ पर अपना दूरी तय करेंगे कितना दूर तक आवाज़ को कवर कर रहा है। इसमें तो दिया है 30 मीटर का आवाज़ कवर करना, देखते हैं 30 मीटर तक कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो चलिए हम कदम को अपना बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितना दूर तक आवाज़ को कवर कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम जा रहे हैं, जो कि इधर अपना फेस कर लिए हैं, और अपना फेस करेंगे तो सामने सामने में आवाज़ कुछ आता होगा, इधर घूमेंगे तो लगभग यहाँ हम 20-25 मीटर दूर आ चुके हैं, और भी आगे जाना है, जो कि यहाँ से हम अपना दूरी नापेंगे तो 30 मीटर से ज़्यादा ही हो चुका है। आवाज़ पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब देख सकते हैं। और वो जो मोबाइल पकड़ा है उससे थोड़ा बात करेंगे इतना दूर से कि दोनों, मतलब कि आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो भाई बोलो कुछ। क्या बोली? अरे कुछ भी बोलो, मैं लॉक रहा हूँ यहाँ से। हाँ तो कुछ बोला है, देखेंगे उसमें आवाज़ आ रहा है कि नहीं। तो 30 मीटर से दूरी आ चुके हैं, चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ तो बताना आपको भूल गया था, जो कि एक चार्जिंग जो केस है इसको चार्ज करने के लिए, देखिए यहाँ पर टाइप सी है, टाइप सी से आप चार्ज कर सकते हैं। इसको चार्ज करने में लगभग 2 से 2.5 घंटा लगता है। एक बार चार्ज कर देंगे तो इसको फिर दोबारा 20 दिन तक चार्ज करने का टेंशन दूर हो जाता है। और ये जो वायरलेस माइक है इसके अंदर आप डालेंगे तो ये जो इसके अंदर आप डाल देंगे क्या करता है कि ऑटोमेटिक ये जो चार्जिंग केस है इसको चार्ज करता है, और ये भी एक बार चार्ज हो जाता है तो लगभग ये 4 घंटा तक यूज कर सकते हैं। अगर अकेले आप करना चाहते हैं तो 4 घंटा इसको यूज कर सकते हैं और 4 घंटा इसको यूज कर सकते हैं, दोनों मिलाकर 8 घंटा आप आराम से यूज कर सकते हैं। तो काफ़ी इसका बैटरी बैकअप देता है और बहुत बेस्ट है। आप लोग लेना चाहते हैं, वीडियो के स्क्रीन पे भी दिखाई देता होगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी को प्रेस करके ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख सकेंगे, कुछ सीख सकेंगे। और इसी तरह का हमेशा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जुड़ कर रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक